लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बलिया पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा मानने से इनकार करते हुए कहा कि आरएसएस तय करेगा कि भाजपा के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। वहीं सपा के राष्ट्रीय सचिव समाशंकर विद्यार्थी ने अखिलेश यादव और बंगले के विवाद पर कहा कि राज्यपाल ने भाजपा व मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए चिट्ठी लिखी है। मौसम का मिजाज जितना गर्म है उतनी ही गर्मी और तपन राजनीतिक पार्टियों में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिखाई दे रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करने आए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि भाजपा के पास लोकसभा चुनाव के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में आरएसएस तय करेगी कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि पहले अटल जी थे फिर मोदी और अब कौन होगा यह कौन जानता है। नरेश उत्तम ने पूर्व प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि सपा ईवीएम के जरिए चुनाव करने के विरोध में है, क्योंकि ईवीएम में बदलाव करने की गुंजाइश होती है जिससे ना तो जनता का भरोसा होता है और ना ही पार्टियों का। ऐसे में जब सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस ने देश में ईवीएम लाकर लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया है, तो नरेश उत्तम का जवाब था कि कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद का बयान था कि बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद बंगले में तोड़फोड़ के विवाद पर राज्यपाल द्वारा चिट्ठी भेजने पर सपा के राष्ट्रीय सचिव रमाशंकर विद्यार्थी ने कहा कि राज्यपाल बीजेपी को खुश करने के लिए चिट्ठी लिखी है। वहीं बंगले में हुए तोड़फोड़ के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि कैराना की हार की वजह से मुख्यमंत्री के इशारे पर बंगले में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी का पार्लियामेंट मेंबर अब स्वर्गीय हो गया, हम कहना नहीं चाहते कुछ, लेकिन जो कैराना जो भारत के लोकतंत्र में कैराना एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस सब्जेक्ट से यह लगता था कि हिंदुस्तान की राजनीति में किस तरीके की अपना अपनी है। कैराना में बीजेपी ने जिस तरीके का माहौल पैदा किया था उस माहौल को भी इस लोकसभा के चुनाव में कैराना की महान जनता ने सामाजिक समरसता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया और कैराना में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार। कर्नाटक में महामहिम ने क्या किया था देखा ना, तो भारतीय जनता पार्टी उसको सत्ता चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए वो कुछ किसी हद तक जा सकती है और यह नजीर है पूरे देश के कई चुनावों में देखा गया है। अब चूंकि उत्तर निश्चित तौर पर हमारे एक एक कार्यकर्ता को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ दीजिए, एक एक कार्यकर्ता को भी अगर कोई अन्याय में फंसाता है तो निश्चित तौर पर उनका संज्ञान लिया जाए। ये आपकी भाषा हो सकती है, हमारे दल ने और हमारे नेता ने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। अगर तोड़फोड़ हुई तो बात 7 दिन बाद क्यों आई, 7 दिन बाद क्यों आई, 2 को बंगला खाली हुआ, 9 के बाद क्यों आई। अब तोड़फोड़ तो सारे बंगले में हुए हैं, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बंगले क्यों दिखाए जा रहे हैं, इसका मतलब तोड़फोड़ कहीं नहीं हुआ, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यहाँ सरकार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बंगले को खाली कराया, तोड़फोड़ कराया बदनाम करने के लिए, बंगले तो गए। किसके कहने पे आप लोग को लगता है कि ये हुआ है? बिल्कुल इसमें सरकार की साजिश।